क्या आरएसएस संगीत रागी की बात से सहमत? अरे भाई आरएसएस क्यों चाहते हैं? कोई आरएसएस नो 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 हो क्या? आप जो बात कह रहे हैं, प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं, क्या आरएसएस हो? क्या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी संगीत रागी की बात से सहमत है जो भारत का थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते हैं? कहता हूँ मैं तो मैं आप पूछिए अभी शहजाद पूनावाला, मैं चाहता हूँ शहजाद पूनावाला से पूछिए क्या वो संगीत रागी जो आरएसएस के आदमी। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान न हुआ हो लेकिन सियासी पिच तैयार हो चुकी है। सीटों को लेकर मंथन चल रहा है तो जनता के बीच नेताओं ने रैलियां भी शुरू कर दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर महाराष्ट्र के दौरे पर थे जहां भक्ति के साथ शक्ति की तस्वीरें भी देखने को मिली। नए नए मुद्दों को हवा दी जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। वहीं सीट और जाति के समीकरण को लेकर मंथन चल रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ही महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे। नवरात्र के दौरान हुए पीएम के इस दौरे में भक्ति का रंग भी देखने को मिला। तो उधर राहुल गांधी एक बार फिर संविधान के मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र के सियासी मैदान पर उतरे। शिवाजी की विचारधारा को लेकर बीजेपी पर हमला किया। इन्हीं सारे मुद्दों पर राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष के साथ गोदी एंकर एवं विश्लेषक संगीत रागी के बीच हो गई घमासान भिड़ंत। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे। आशुतोष जी मैं चाहूंगी इस पर आपकी टिप्पणी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। उन्होंने कहा है कि नेहरू की किताब में शिवाजी का अपमान किया गया है, पहले इसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे। किताब उद्धृत कर देना चाहिए था उनको, कौन सी किताब में किस पेज पे किस पृष्ठ पे क्या लिखा हुआ है। अब मेरी तो जानकारी में नहीं है, जाहिर सी बात है फडणवीस साहब के पास जानकारी में होगा, इसलिए जरूर बात कर रहा हूँ। देखिए महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो इस बात पर आधारित होगा कि आज पिछले सालों में महाराष्ट्र की सरकार ने कितना काम किया है। महाराष्ट्र का चुनाव इस पे तय नहीं होगा कि शिवाजी के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा या कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है अगर महाराष्ट्र में सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा हो रहा होता तो लोकसभा के चुनाव में इतनी बुरी गति नहीं होती। महाराष्ट्र में अगर सब कुछ ठीक हो रहा होगा तो सीएसडीएस का सर्वे ये नहीं कहता कि राहुल गांधी महाराष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर है। तो वहां की सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या डिलीवर किया है। अगर वो इस तरीके से सवाल खड़े करेंगे तो राहुल गांधी को बड़ा करने की कोशिश करो भैया। और मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि जितना राहुल गांधी पर हमला भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी बड़े नहीं है और बड़ा करने की लगातार उनको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? वो एलओपी है, देखिए संसद में लीडर ऑफ ओपोजिशन है, उनके 99 सीटों वाली पार्टी आपके लिए बड़े नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी लाटकी बहना के बारे में बातचीत करे ना, हम इतने पैसे दे रहे हैं वहां के महिलाओं के लिए, हम महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो ये ज्यादा बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार के बारे में देगा या फिर ये करेगा? मैं बार बार कहता हूं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी एजेंडा सेट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको उस पर रिएक्ट करती है, जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी और गलती है। संगीत रागी जी इस पे आप जवाब दे दीजिए फिर मैं जा रही हूं। मैं एक एक टिप्पणी पहले सबसे हो जाए। आशुतोष की बात से कभी सहमत नहीं होता था लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं। राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व को बहुत बड़ा करने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी वाकई ऐसा कह करके और भारतीय जनता पार्टी दे रिएक्ट करती है तो उसको वो एजेंडा सेट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उस पर रिएक्ट। और यदि आप चुनाव के परिणाम देखेंगे तो जो पार्टी एजेंडा सेट करती है वो पार्टी चुनाव जीतती है, जो पार्टी एजेंडे पर रिएक्ट करती है वो पार्टी चुनाव हारती है। तो राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं, आप मैं मान रहे हैं। मैं कह रहा हूं अपनी बेतुकी बातें से, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बेतुकी बातें कह रहे हैं। राहुल गांधी को वाकई यदि शिवाजी की बात कर रहे हैं तो हिंदुत्व के एजेंडे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। भारत को क्या राहुल गांधी इस बात से सहमत है हिंदू महासभा से कि भारत को एक थियोक्रेटिक हिंदू स्टेट बना दिया जाए? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। संगीत रागी अज्ञान क्या ये अज्ञानता में अब कोई विचित्र अपना कपड़ा फाड़े तो कोई स्टेट के साथ हैं क्या? भारत मैं तो हूँ पार्टी आरएसएस, क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र चाहती है कि हिंदू भारत जो है वो एक थियोक्रेटिक स्टेट हो जाए? देखिए जैसा इन्होंने, क्योंकि ये जो इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, अनर्गल है और इसका कोई अर्थ ही नहीं है। देखिए मुझे अपनी बात कह लेने दीजिएगा, थियोक्रेटिक मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए प्लीज। देखिए ना तो मैंने कोई अनर्गल बात कही ना तो तथ्य से परे बात कही, रहा तक रही मेरी बात। हाँ। मैं चाहता हूं कि भारत को हिंदू स्टेट घोषित किया जाए, थियोक्रेटिक स्टेट। मैंने कहा इन्होंने कहा कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहती है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है ये नहीं जाने,
यदि इस देश के हिंदुओं की रक्षा करनी है, हिंदुओं के हित की रक्षा करनी है, तो इस देश को थियोक्रेटिक हिंदू स्टेट बिना हिंदू मुसलमान के तो आपकी पॉलिटिक्स संगीत भी आगे बढ़ती नहीं है। अरे क्या बात, अरे राहुल गांधी मुल्ला 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 चिल्लाए जा रहे हैं, बहुत सारे मेहमान आए हैं, राहुल गांधी मुल्ला मुल्ला लेकर के बैठे हैं, उनकी टिप्पणी लेना जरूरी है। विदेशी ताकतों से सहायता ली जाती है, विदेशी ताकतों से सहायता ली जाती है। क्या आरएसएस की बात से सहमत है? हाँ। क्या आरएसएस संगीत रागी की बात से सहमत? भाई आरएसएस क्यों चाहते हैं? कोई आरएसएस नो 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 आप जो बात कह रहे हैं, प्रवक्ता आप जो बात कह रहे हैं, क्या आरएसएस हो, क्या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी संगीत रागी की बात से सहमत है कि वो भारत का थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते हैं? कहता हूँ मैं तो चाहता हूँ। अब आप पूछिए अभी साजाद पूनावाला, मैं चाहता हूँ साजाद पूनावाला से पूछिए क्या वो संगीत रागी जो आरएसएस के आदमी है वो इस बात से सहमत है? अब मुझे पता लगा कि कांग्रेस पार्टी के ये घोषित प्रवक्ता न हो करके भी कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह मैं पूछना चाहता हूँ। जो कह रहे ना छत्रपति शिवाजी महाराज, आज की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, उन्होंने सावरकर जी के विषय में कहा कि सावरकर जी फंडामेंटलिस्ट थे और जिन्ना फंडामेंटलिस्ट नहीं थे। इसका प्रॉपर आंसर मुझे ना यूबीटी सेना से मिला, ना एनसीपी महेश चव्हाण जी से, शरद पवार फैक्शन से मिला कि क्या सावरकर जी के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी दिनेश गुंडूराव ने की उस पर क्या स्टैंड है। तीसरी बात, संविधान की बात हो रही है तो संविधान का सबसे मेन पॉइंट था कि 370 हटाकर बाबा साहेब आंबेडकर जी का संविधान पूरे देश में लागू हो, जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ और यह यूबीटी सेना उसका समर्थन करती थी। आज एनसी और कांग्रेस ने उसका विरोध जम्मू कश्मीर में किया, उस पर भी यूबीटी सेना ने एक शब्द नहीं बोला। और चौथी बात, कम से कम हमारी स्कीम तो वो है जो 1500 रुपए महिलाओं को देती है, हमने वो स्कीम नहीं लाई है जिसमें कि टॉयलेट पर टैक्स लगाते हैं, उसका नाम आप राहुल गांधी पर रखिए। और आशुतोष जी, यदि आपको लगता है मैंने किसी महिला का यहां पर अपमान किया या जिसने भी ये टिप्पणी की, तो आज कांग्रेस पार्टी की रैली में दीपेंद्र हुड्डा के सामने सोनिया दुहन, जो एनसीपी शरद पवार फैक्शन में रहती थी, उनको सरेआम छेड़ने की कोशिश की गई और यह बेशर्मी से बैठे हुए कांग्रेस के और बाकी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट उस पर नहीं किया, वो सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ नहीं बोला। और चित्रा जी, मैंने आप पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, आपको यदि आपका शो जो है सबको साथ में लाना है तो उसका नाम दंगल से बदलकर कुछ मंगल कर दीजिए, दंगल से मंगल कर दीजिए फिर। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, दंगल से बदलकर मंगल कर दीजिए। देखिए मुझे एक सेकंड आशुतोष जी प्लीज, मुझे नहीं लगता है कि शहजाद पूनावाला की इन हल्की बातों पर मुझे किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करनी चाहिए। आशुतोष जी नहीं, मुझे लगता है कि आप जब नेहरू जी के बारे में बातचीत करते हैं, निश्चित तौर पर मैं उसको चेक करूंगा, मैंने देखा नहीं, मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी बात, आप दूसरी बात, कोई लेना देना, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि गुरु गोलवलकर ने जो भारत के संविधान के बारे में टिप्पणी की थी उस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या राय? उन्होंने कहा था कि, और तिरंगे के बारे में कहा था कि ये तो अपशकुन है, इसको भारत के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इस पर उनकी क्या राय है? वो तो ठीक है, लेकिन वो तो किताब और पृष्ठ के नाम के साथ आपको जवाब दे रहे थे। दुनिया को मालूम है, दुनिया को मालूम है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये देश के लिए सबसे खतरनाक हर हालत में रोकना चाहिए। अभी तो शिवाजी महाराज और पंडित नेहरू की बात हो रही थी, पंडित नेहरू और शिवाजी महाराज की बात हो रही थी, आपने सवाल खड़े किए, वो प्रश्न के साथ आपको जवाब दे रहे थे। सरदार पटेल ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र का विचार एक पागलपन है, भारत क्या हिंदू राष्ट्र? आपने सवाल पूछा था, आपने सवाल पूछा था कौन सी किताब है, कौन सा प्रश्न है, उन्होंने जवाब दे दिया, आपको मिल गया ना जवाब। इस्लामिक थियोलॉजी के रहते हुए हिंदू मुस्लिम एकता हो ही नहीं सकती है अपने हिसाब से। अम्बेडकर, ये तो अम्बेडकर ने भी कहा, थियोलॉजी की बात कही ना? नहीं नहीं थियोलॉजी तो इस्लामिक थियोलॉजी तो हिंदू राष्ट्र देश के लिए बहुत खतरनाक बात होगी, नहीं रोकने की जरूरत, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप तो आग लगा दिए, बाबा साहब अंबेडकर तो देश को बर्बाद कर दिया, की बात है राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को जातिवादी राजनीति को खड़ा कर रहा है, पागल विचार है, तो देश को बर्बाद कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ ना, सरदार पटेल ने कहा था हिंदू राष्ट्र की बात एक पागल विचार है। अब इन्हीं आरएसएस को सरदार पटेल ने कहा था देशभक्त संगठन, देशभक्त संगठन है, सरदार पटेल ने बैन लगाया था, सरदार पटेल ने बैन लगाया था, गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार किया था आपके लोग गांधी की हत्या के बाद। नेहरू ने कहा, लेकिन इन सारे मुद्दे पर फिर से चुनाव होंगे क्या? मेरा ये सवाल है, ठीक है ठीक है, संगीत रागी जी, आशुतोष जी, लेकिन आप बार बार कह रहे थे कि नेहरू जी ने कहा अपमान किया, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, तो उन्होंने जवाब तो दे दिया है आशुतोष जी। जो साजाद पूनावाला कह रहे हैं मैं उसको जाके पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद मैं बात करूंगा, मैंने चूंकि नहीं पढ़ा इसलिए मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर। दूसरी बात क्या है,
मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव न तो नेहरू के ऊपर होगा, न शिवाजी के ऊपर होगा, न सावरकर जी के ऊपर होगा। महाराष्ट्र का चुनाव इस पर होगा कि पिछले 5 साल के सरकारों ने क्या काम किया या काम नहीं किया। राहुल गांधी की जो बात शिवाजी पर थी, तो उसमें टिप्पणी नहीं कर सकते वहां पे इस डिबेट में। जल्दी से आपकी टिप्पणी पीएम के बयान के बाद बांटने के बाद कैसा जश्न होता है ये मोदी जी को और यहाँ के बीजेपी वालों को बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने वही नींव बनाई है तो उसका सामना भी उन्हें करना पड़ेगा। अभी अजीत दादा पवार के उनके गट के नेता यहाँ पे बीजेपी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे योजनाओं के बारे में। मैं बता दूं वाशिम में तो ऐसे हुआ है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले। दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज सभी 90 सीटों पर मतदान पूरा हो गया और जनता ने ईवीएम में नेताओं की किस्मत कैद कर दी। 8 अक्टूबर को घोषित होने वाले नतीजों से पहले लोगों को एग्जिट पोल का भी इंतजार था जो कि रिलीज हो चुका है। इन एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी को एग्जिट पोल्स के नतीजों में भी भारी नुकसान होता दिख रहा है। हरियाणा चुनावों को लेकर आज वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा। ज्यादातर एग्जिट पोल्स कांग्रेस को 55 से 60 के बीच सीटें मिलने का अनुमान लगा रही है। बीजेपी 18 से 27 के बीच सिमट कर रह रही, इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं अब देश भर से धीरे धीरे बीजेपी लहर खत्म होती जा रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कॉमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।